नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार द्वारा 9 बड़े जिलों में भर्ती की जा रही है। दोस्तों अगर आपने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है आंगनवाड़ी के तहत, तो दोस्तों आप जल्द ही आंगनवाड़ी के तहत ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सरकार द्वारा जो यहाँ पर अंतिम तिथि दी गई है वह 6 अप्रैल दी गई है, यानी कि जो लास्ट डेट है दोस्तों वह कल लास्ट डेट निर्धारित की गई है सरकार द्वारा। दोस्तों यह कौन कौन से ज़िले हैं आपको यहां पर विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। चाहे आप हेल्पर, कार्यकर्ता या फिर सुपरवाइजर के पदों पर आवेदन करना चाहते हों, तो दोस्तों अगर आप भी आंगनवाड़ी के तहत इच्छुक है आवेदन करने के लिए, तो वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि हम आपको इसमें तमाम जानकारी देने वाले हैं किस राज्य के और किस कौन कौन से वह जिले हैं जिनमें आंगनवाड़ी के तहत ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, और उसकी जो लास्ट डेट यहां पर निर्धारित की गई है वह 6 अप्रैल रखी गई है। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। दोस्तों आंगनवाड़ी में नौकरी करने के लिए अगर आप इच्छुक हैं, तो यह आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। दोस्तों आपके पास जो योग्यता है वह 8वीं पास, 10वीं पास और यहाँ पर 12वीं पास होनी चाहिए। दोस्तों आंगनवाड़ी के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से भर्ती निकाली गई है। एक बड़े राज्य की जो आंगनवाड़ी के तहत ऑनलाइन आवेदन की भर्ती निकाली गई है, दोस्तों जो ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं उसमें सरकार द्वारा लास्ट डेट 6 अप्रैल निर्धारित की गई है। वह दोस्तों आपको बता देते हैं यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो उम्मीदवार अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं और वह करना चाहते हैं, चाहे वह दोस्तों यहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, फिर हेल्पर या फिर दोस्तों सुपरवाइजर के पदों पर ही क्यों ना आप ऑनलाइन आवेदन करना चाह रहे हों, तो उसके लिए दोस्तों आपको 6 अप्रैल तक अपना ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। जबकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपके लिए 16 अप्रैल जो अंतिम तिथि है वह निर्धारित की गई है। अब दोस्तों यह कौन सा राज्य है और वह कौन कौन से ज़िले हैं वह भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, यह कर्नाटक राज्य, जी हां दोस्तों कर्नाटक राज्य में 6 अप्रैल निर्धारित की गई है। दोस्तों 6 मार्च तक आप 6 अप्रैल तक आप ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वह देख सकते हैं यहां पर, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको जानकारी दी गई है, यह सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके तहत आपको यहाँ पर यह जानकारी दी जा रही है। सारे दोस्तों यह कौन कौन से ज़िले हैं वह भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, वह ज़िले सरगुप्पा में 26 पद है दोस्तों, होसपेट में 30 पद है और यहाँ पर कुंडलिंग में आपको 12 पद दिए गए हैं। सारे दोस्तों बिल्लेलारी अर्बन में 14 पद और दोस्तों बिलारी ग्रामीण में 41 पद यहां पे निर्धारित किए गए हैं। सारे दोस्तों जो आगे यहां पे जिले दिए गए हैं उनमें एसबी होली में यहां पर 11 पद निर्धारित किए गए हैं सरकार द्वारा। अगर आप भी इन जिलों से बिलोंग करते हैं, इन जिलों में रहने वाले हैं दोस्तों, तो आप भी आंगनवाड़ी के तहत 6 अप्रैल तक अपना आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हरपनहल्ली में आप देखते हैं 16 पद यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, हदगली में 7 पद और दोस्तों जो नेक्स्ट है वह सुंदर में आप 13 पद से अपना आंगनवाड़ी के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी हम आपको कर्नाटक राज्य की दे रहे हैं। दोस्तों हमने आपको यहाँ पर बता दिया है जो जिले, जिस जिलों के तहत यहाँ पर अंतिम तिथि दी गई है वह दोस्तों 16 अप्रैल निर्धारित की गई है। जी हाँ दोस्तों 16 अप्रैल यहाँ पे लास्ट डेट निर्धारित की गई है। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आपके लिए केवल एक ही दिन शेष रह चुका है। दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, आपका क्या राज्य है, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों हम आपके ज़िले, आपके राज्य की जानकारी भी आपको दे देंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।